जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, एवरीथिंग ओके हैं। का सोचा था आपने, का हुआ, किस तरीके से एवरीथिंग ओके है। 21 फरवरी का बेकरारी से इंतज़ार, लोगों को बदले में कहाँ मिला, पूरा जानकारी काहे नहीं मिला, लोग ऐसे सवाल काहे उठाए रहे, और जो एवरीथिंग ओके का है मतलब का है, और जैसा सोचा था वैसा हुआ उसका मतलब का है। करेंगे पूरी वार्तालाप, एक एक टिप्पणी टीका, चाहे वो टरू वाले हों चाहे हमारे हो जिज्जी। चलिए बिना कोनो देरी के शुरू करते हैं आज का ये 21 फरवरी वाला वीडियो जो कि 22 फरवरी को आ रहा है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अरे जिज्जी देखो, और एक्टिंग ना करो हैं, हम सबको पता है कि आपको कितना अपने घर जाना है। ना जी, ऐसे नहीं ना होता है कि जब चाहे गरियाओ, जब चाहे उंगली उठाओ, जब चाहे ऐसी तैसी कर दो, जब चाहे प्यार जताओ, हैं, जब चाहे कीचड़ से बच के चलो, जब चाहे कीचड़ आपकी ओर आ रहा है, हालांकि कौन कीचड़ की तरफ बढ़ रहा है ये सबको दिख रहा है। तो जिज्जी ना, ये सब जो एक्टिंग कर रही हो ना, यहाँ कोई सीरियल नहीं चल रहा, कोई मूवी नहीं चल रहा है, और ना ही कोई रियलिटी शो चल रहा है जहाँ पे तुम अपनी धांसु परफॉर्मेंस दे रही हो लोगों को गुमराह करने के। लोग तुमको पागल समझने लगे हैं, लोग कह रहे हैं तुमको डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, लोग तुम्हारे घर परिवार से भी बोल रहे हैं कि भाई इनको डॉक्टर के पास दिखाओ, लेकिन किससे कहें। लोग तो भाई सब एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर वाले सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई इधर तो कोई उधर, कोई बिना तेल की सब्जी पानी बना रहा है, कोई बर्फ में घूम रहा है। है जिज्जी ना, ये सब एक्टिंग ना ही करो, बहुत हो चुका है। लोग ना और जनता जनार्दन एकदम आग बबूला हो चुकी है तुम्हारी सब यही बकवास की वजह से, समझ रहे हो, ये एक्टिंग की वजह से। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, कल 21 था, वैसे तो ये डेट किसी ना किसी के लिए किसी और वजह से भाई इंतज़ार रहा होगा, इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन भाई जो कुनबा वासी हैं और उनको जो देखने वाले सब्सक्राइबर हैं वो किसी और इंतज़ार में थे कि भैया आज 21 है और शाम तक या रात तक कुछ ना कुछ ऐसी बात पता चल जाएगी, जिसके इंतज़ार में थे। क्योंकि इतने दिनों से, विगत दिनों से इतनी कहानियाँ, इतने ड्रामा, मतलब भाई साहब इतना ट्विस्ट और टर्न एकता कपूर के सीरियल में भी नहीं होते हैं, हैं? चाहे वो कसौटी ज़िंदगी की हो, कबो इनसे शादी, कबो उनसे शादी, कबो उनसे नाराज़गी, कबो उनकी सर्जरी हो गई, तो कबो किसी का एक्सीडेंट होएगा। एकता कपूर भी इन सब चीज़ों में माहिर हैं, अपने सीरियल को ऐसे ऐसे घुमाए देती हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन भाई ये जो कुनबा वासियों का यूट्यूब का जर्नी है, उनके हिसाब से भाई ये जिंदगानी की जर्नी है, सच्ची जर्नी है। तो उसमें जो ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं और इतने तेज़ी से मनोभाव बदल रहे हैं, जनता जनार्दन बहुत ही ज़्यादा आहत है। एक साइड की स्टोरी आ चुकी थी, है ना, कह रही थी कि सब कुछ पॉजिटिव है। उससे एक रात पहले कीचड़ से और कचरा से बच कर चल रही थी पैर उठाए उठाए के। तो जो कल उन्होंने पॉजिटिव वाला हिंट दिया, इसके अलावा ये भी जो बोला कि भाई साहब अब तो हम जब तक इधर हैं अपना ऊपर वाला सब कुछ बढ़िया से सेट सुट कर लें, जब तक इधर हैं, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने जनता जनार्दन को यूँ बतावा कि हम जाए वाले हैं, पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। जो हम गए थे हियरिंग में, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हिंट मिली दर्शकों। ये पॉजिटिव हिंट बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमको मिली थी कब भाई, जब 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे का कहानी लेके आई थी कि हम चाय पी के आए, उन्होंने पैसा दिया तो मुझे प्यार का एहसास हो गया। इस बार उनकी तरफ से भी था, बाद में भाई खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बाद में कहानी कुछ औरन मिली। तो इस बार भी कितनी सच्चाई है कितनी नई सच्चाई, लोग इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते भाई रात में एक वीडियो आया और वीडियो का जो टाइटल था, है ना, टाइटल था कि भाई इनका टाइटल है 21 फरवरी 2024, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, एवरीथिंग ओके, है ना। तो लोग भाई वीडियो देख डाले, पूरा वीडियो देख डाले, और उसके बाद भाई कुछ लोग ना ऐसे आग बबूला हो गए कि साला मतलब का चल रहा है, हैं, एक उधर पॉजिटिव बोल रही और इधर कुछ जानकारी नहीं मिल रही। तो भाई लोगन के जो मनोभाव है एकदम से ना डगमगाए गए कि हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले विगत वाले दिनों में एक वीडियो आई थी जिसमें बोला था
कि जो हमारा तरफ से जो भी डिसीजन है, जो भी एक्शन है, वो आपको 21 जनवरी को पता चल जाएगा। तो इसलिए इस 21 फरवरी का इंतज़ार था। बेहद अच्छे तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब आवे, बार बार देख रहे थे वीडियो आया कि नहीं। लेकिन जब वीडियो आया तो वीडियो में कहानी प्रीवियस वाली थी, ये कहीं घूमने घामने गए थे इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और मोबाइल भी वहाँ स्विच ऑफ था। उसके बाद जब घर आए, खाया पिया, मम्मी जी से वार्तालाप करी, और थोड़ा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिज्जी के जो ड्रामे और कारनामे होते हैं, उन पर भी प्रकाश डाला गया कि अगर एक साथ वीडियो आ जाता है या फिर जो बातें ऐसे डोल जाती हैं तो वो सिर्फ कहानी है, ड्रामा है, नौटंकी है, उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये सब तो हम जानते हैं, हैं कि जो बातें चल रही हैं इस समय वो डॉलर के अलावा और कुछ नहीं है जिज्जी की तरफ से हमारी। तो उस ये सब बातें होने के बाद, खाने पीने के बाद बोला गया कि अब हम जा रहे हैं अपनी हियरिंग पे, मतलब यू जो वीडियो है जाए से पहले का है। लेकिन जनता जनार्दन शायद वो समझ नहीं पाई या इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि हमको तो भैया अभिन जानना था, हैं तो पुराना वाला जो क्लिप था वो अपलोड हो गया, और आज हो सकता है कि भाई वहाँ की जो कहानी हुई है वो आए। तो थोड़ा इंतज़ार करना था, लेकिन रात में लोगों ने शायद पूरे तरीके से नहीं देखा होगा, हो सकता कुछ लोगों ने स्किप करके देखा हो, तो भाई आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगा कि भाई यहाँ पर ना मोड़ा जा रहा है, किस तरीके से हमको सच्चाई से अवगत नहीं कराया जा रहा है। इस समय पंजाब वाले एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बाधित कर दी गई है। हमारी जिज्जी जो रहती वो बॉर्डर के इस पार रहती, तो जिज्जी के यहाँ नेट तो चल रहा होगा, इसलिए हमारी जिज्जी फटाफट बिना समय गंवाए, अब देखो दर्शकों को इतना टाइम है कि वीडियो बना रही है, अपलोड कर रही, टाइम टू टाइम। पहले रोना धोना होता था, भाई एक वीडियो और आया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कि नेगेटिव लोगों और नेगेटिविटी से हम दूर आएंगे पहाड़ों पे, उस पर ना तो बढ़िया सा एक एपिसोड बनेगा, बॉन्ड है बहन कज़िन सिस्टर, उस पर तो करेंगे बाद में वार्तालाप, अभी जो बात चल रही है वो पूरा कर लेते हैं, है ना। तो भाई लोगों ने ना भर भर के चीज़ें ऐसी लिख डाली कि भाई अगर तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम लोग दोनों मिल के खेल रहे हो व्यूज़ के लिए, हैं तो ऐसा ना करो, कहा कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं। तो जनता जनार्दन, हम आपको बता दें कि वीडियो तो आएगा, लेकिन हो सकता है आज आवे या कल आवे, आई थिंक आज आ जाना चाहिए, हो सकता है दोपहर के बाद आवे, क्योंकि ये जो वीडियो था ये था पुरानी कहानी, मतलब पुरानी कहानी जैसे पहले की, और उसके पहले जो जिज्जी ने बोल दिया था कीचड़ में पैर नहीं रखना है, मुकाला कराए के आ गया है, न जाने काका फलन ढमा, तो वो सारी बातें यहाँ पर अंकित हैं। हालांकि ये दिखाया जा रहा था कि हमने वीडियो नहीं देखा है क्योंकि हमने अपना फ़ोन बंद कर रखा था, तो अगर वाकई में नहीं देखा है तो हो सकता अभी ना उस चीज़ से अवगत ना हुए हों कि भाई साहब हमारे जो जिज्जी है, हमारे मतलब हमारे सबकी जिज्जी, वो कब के हालात जज्बात बदल जाते हैं। और वो अभी सुबह तो उसने देख ही लिया होगा जो पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स के बारे में जो वीडियो है वो आज आ ही जाएगा, और दोपहर तक या फिर शाम तक, है ना, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन ज़्यादा दिन तक ना गोलमोल बातों में नहीं टिक पाती, उसका ये मानना होता कि भाई आर या पार, अगर आप लोगों को सही करना तो सही कर लो, देखिए सही तो नहीं ना हो सकता, अगर किसी ब्रह्मास्त्र को यूज़ करने से, किसी तरीके से दबाव बनाने पर भी अगर आप एक दूसरे के साथ आ भी जाते हैं, मन में वो प्यार रहेगा, नक्को जी, जब भाई इतनी गालियाँ दी हैं उस फैमिली को, उस सास को, उस ननद को, और पति के लिए तो न जाने काका मुँह काला पीला नीला इतनी सारी बातें बोल डाली हैं, यहाँ छोटी मोटी लड़ाई कहाँ सुनी हो जाती तो एक दूसरे से एक दो दिन बात नहीं करते इंसान, यहाँ पर तो इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और वो जो छोटी मोटी लड़ाई होती है वो बंद कमरों में होती है, है ना, तो भी एक दूसरे के लिए ना मन थोड़ा सा उचट जाता है कि बहुत हो गया अब बात नहीं करेंगे फलान ढमाक। यहाँ पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो गंदी गंदी बातें बोली गई हैं सोशल मीडिया पे बोली गई, इंटरनेशनल लोग भी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भाई सिर्फ इंडिया में थोड़े देखते हैं, हर जगह यूट्यूब है, तो इस तरीके से इतनी सारी यूट्यूब पर गालियाँ खाने के बाद, हालांकि इनके पति ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि अब बहुत हो गया, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, खुद के लिए न जाने मैंने कहा सुना है, तो अब हमारी तरफ से तो ना यू वाला सीन है, बोला था पहले भी, लेकिन जो इन्होंने कल पॉजिटिव वाइब्स दिखाई हैं तो लोगों को सिर्फ भरमाने के लिए, लोग भर भर के तो गरिया रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने एक मजाक बनाए रखा है, सोशल मीडिया कहाँ समझ रहा है,
कबो प्यार हो जावे, कबो नफरत हो जावे, कबो तुमको सबको ना एकदम से प्यार की फीलिंग आ जावे तुम लोगों मतलब कुनबा वासियों को। वही मम्मी जी जो इंटरव्यू में बोली थी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके मुंह पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस जुबान से लग रही। मगर क्यों? कल हमारी जिज्जी जब ये वीडियो बनाए रही थी ना कि पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, मैं तैयार होके गई थी, आप लोग बोलते हो तैयार रहो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी ड्रामा लग रहा था। उनके थोपड़े पे कहीं पर भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं दिख रही थी, उनकी जुबान कुछ और बोल रही थी, लेकिन जो चेहरे पे थी वो हवाइयाँ उड़ रही थी, वो कुछ और दिखा रहा था। तो वैसे ये टाइटल जो इनके पति ने डाला है, मतलब इनके कागजी पति ने, है ना, जो कि आजकल इनको कभी भी प्यार हो जाता है, कभी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, कभी कुछ, इन्होंने लिखा है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, एवरीथिंग ओके। तो जैसा सोचा वैसा ही हुआ का क्या मतलब है भाई? मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई नौटंकी ड्रामा करा या फिर ब्लैकमेलिंग करी, क्योंकि भाई इनसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता ना ये इंडिपेंडेंट नारी को। क्योंकि भाई जैसे जिज्जी कल बोल रही थी ना, जही तन लागे वही तन जाने, तो जिसके साथ लागे वही जाने, और इतने सालों से लग रहा है जिसके साथ तो बेहतर है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इन्होंने फिर से कोई नौटंकी ड्रामा, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ा हो, या फिर ये हो सकता है कि भाई साहब जैसा उन्होंने सोचा था, जो वो चाह रहे थे, जिस तरीके से एक्शन लेना चाह रहे थे और जो अपनी तरफ से चाह रहे थे वो हो गया। इन सब चीज़ों के सिर्फ दो ही मतलब हैं, रियल मका मतलब है, आपको पता चल जाएगा आज की अपडेट के बाद। और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द अपडेट आ जाए, क्योंकि जनता जनार्दन बेहद बेकरारी से इंतज़ार कर रही है। क्योंकि देखिए जनता को ये सब खिलवाड़ पसंद नहीं, या तो आप अपने घर की चीज़ें कटोरिया बर्तन no, 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 मतलब कहने का ये है कि अगर हो सके तो अपने घर की जो बातें हैं, घर की जो रियल वाली बातें हैं, आप डेली ब्लॉगिंग करते हो, कुछ और अपना लाइफ रूटीन दिखाते हो, कुछ और दिखाते हो, पर हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, एक लाइन होती है कि इस लाइन के बाद भैया हम अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करेंगे। और ना ही जनता जनार्दन आपको बोलती है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर कहानी यहाँ खोल के रख दो, अपने यह बात वो बात, और जिसको गरिया रहे हो अपने जज्बात व्यक्त कर दो। नहीं जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कहानी यहाँ दिखाना चाहते हैं, अपने जीवन का कितना यथार्थ यहाँ रखना चाहते हैं, वह सब आपके ऊपर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनको दुनिया जहान से मतलब नहीं, उनको अपनी इज्जत से मतलब नहीं, गाली खाए के डॉलर कमाना ये कहाँ की अच्छाई है। मतलब पता है रिश्ते से अब कुछ होना नहीं है, यह बात सच है, और आप सबको भी पता है कि ऐसा जो इनका रिश्ता इस मोड़ पे है उसमें प्यार का ना पी भी नहीं बचा है, और पा भी नहीं बचा। बस यही कहना चाहूँगी कि ये प्यार नहीं है, और यहाँ पर अब सिर्फ डॉलर कमाने का प्रक्रिया चालू हो गया है कुनबा वासियों की तरफ से। देखिए जिज्जी ऐसे तो कई बार आती है, मेरा मूड ख़राब है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए गाइज मैं आपको वीडियो बना के नहीं दिखा पाई, गाइज ऐसा हो गया, गाइज वैसा हो गया। लेकिन कल आते ही इतना एक्टिव तरीके से वीडियो बनाया और तुरंत अपलोड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स डॉलर है भैया वजह, डॉलर की जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह है, और कोई वजह ऐसी नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी, ये सिर्फ गोलमोल बातें की गई हैं, और जैसे आज आपकी अपडेट आ जाती है पता चल जाएगा। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि भाई यू शुड गिव इन टोटल अपडेट, तो ये वीडियो पहले का है, लेकिन उम्मीद ये लोग कर रहे थे कि पहले भाई जो रियल वाली आज की अपडेट है ये अपलोड कर देते, ये वीडियो भले कल कर देते, क्योंकि जनता जनार्दन बेहद बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रही थी। मे भी अब इस चीज़ को वो आगे से ध्यान रखें, क्योंकि भाई अगर कोई किसी चीज़ का अपडेट कर रहा आपके साथ में है, ऐसे जुड़ा है जैसे फैमिली, तो उसको उसी टाइम पे अपडेट दो, आगे पीछे की वीडियो आप आगे पीछे भी अपलोड कर सकते हो। हो सकता है ये चीज़ अब वो समझ जाए, क्योंकि जनता ने बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ टर वाले भी तो मज़ा ले आए गए, तुम तो बड़ा खुलासा करने वाले थे, 21 का वेट करो, 21 का वेट करो। टरू वाले नास पीटो, तुम भी ना उनके जैसे जैसे कुनबा वासी हैं बेवकूफ़ बनाए रहे हो, ऐसा कहना है वाला है। हैं तमाम लोगों ने तमाम तरह की बात करी है, कुछ लोग कह रहे हैं तुम उल्लू बना रहे हो, तुम्हारे पास कुछ बताने का नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग बेकरारी से इंतज़ार कर रहे थे, आपको बताना चाहिए, अपडेट देना चाहिए। तो भाई कुछ तो ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वाकई में दिल जिगर किडनी से जुड़े हैं, कुछ तो वह टोंटबाजी करने आ गए हमारी जिज्जी की तरफ के टरू वाले, और कुछ फेक आईडीज वाले हैं, आप लोग जानते हैं इनके टाइप नहीं। अरे ऐसे टाइप ना किसी भी इंसान के अंदर नहीं पाए जाते हैं इस समय इस गोले पे। हाँ फिल्मों में, सीरियल में, नौटंकी ड्रामा में हो सकता है, वो भी स्क्रिप्ट के डिमांड के अनुसार, लेकिन इनके सबकी रियल जिंदगानी में जो समय टाइप चल रहे हैं ना, बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे टाइप, इतना दिखावा, इतना षड्यंत्र,
सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए। प्यार है नक्को जी नक्को, नफरत है हाँ जी हाँ, लेकिन उसको कभी कभी प्यार से रंग दिया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, क्यों? तो ये टाइप तो आप समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ आप हालात जज्बात भी समझ गए होंगे। और आज की अपडेट का है, हो सकता है वो तुरंत आ जाए, हो सकता है दोपहर में आ जाए, हो सकता है अब तक आ गई हो। तो इंतज़ार करते हैं, चलिए फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।